नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ, तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। लंबे समय तक भारत रुक सकती है शेख हसीना, यूएस ब्रिटेन के हाथ खींचने के बाद अब इन देशों में तलाशे जा रहे विकल्प। बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बन गई है। अंतरिम सरकार बनने के बाद हिंसा की घटनाएं लगभग थम गई हैं। इस बीच अपना देश छोड़कर भारत भागकर आई पूर्व सीएम शेख हसीना को लेकर नया अपडेट सामने आए हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि हसीना जल्द ही भारत से किसी दूसरे देश में जाने वाली हैं। अब ये सामने आया है कि वो ज्यादा समय तक भारत में रहने वाली हैं। हालांकि दूसरे देशों में उनके जाने को लेकर अभी भी बातचीत का दौर जारी है। वहीं अंग्रेजी समाचार वेबसाइट न्यूज 18 के अनुसार शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना उम्मीद से अधिक समय तक भारत में रहेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये प्रवास वीजा पर आधारित होगा, न कि शरण या शरणार्थी श्रेणी में। आपको बता दें कि नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और अपनी बहन शेख रिहाना के साथ देश छोड़कर भारत भाग आई थी। वह सोमवार को बांग्लादेश के सैन्य विमान से दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पहुंची। ऐसी खबरें थी कि ब्रिटेन में शरण मांग रही थी, जहां रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक लेबर पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद की सदस्य हैं। हालांकि अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। कथित तौर पर अमेरिका ने भी हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। वे अब यूएई और यूरोपीय देशों में शरण के लिए अपने विकल्प तलाश रही हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।